देश में जारी भारी गर्मी के साथ 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है। इन 9 दिनों में तेज गर्मी पड़ने वाली है। जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, बारिश भी उसी ही ज्यादा होगी। गर्मी के प्रभाव से कीटाणु, जीवाणु और विषाणु भी नष्ट हो जाते हैं। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होकर वृष राशि के 10 से 20 अंश तक रहता है, तब नौतपा होता है। ग्रह स्थितियों के अनुसार इस बार नौतपा के खूब तपने के योग बन रहे हैं, तो वही इन दिनों में पानी भी खूब पिया जाता है और जलदान भी किया जाता है, जिससे कि पानी की कमी से लोग बीमार ना हो। तेज गर्मी से बचने के लिए दही, मक्खन और दूध का उपयोग लगातार किया जाता है। मई को नौतपा शुभारंभ हो रहा है। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से हम देखते हैं तो सूर्य देव चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो नौतपा का प्रारंभ होता है। नौतपा 9 दिन के लिए होता है और 9 दिन के मध्य गर्मी परम प्रचंड चरम पर होती है। इस दौरान कहते हैं कि वर्षा कहीं भी थोड़ी भी आती है तो फिर आगे बरसात के संकेत कम हो जाते हैं। इसलिए 9 दिन तपना ही चाहिए। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर होती हैं और बहुत तेजी से वो गर्म करता है और इस दौरान आंधी तूफान व लू भी विशेष रूप से देखने को मिलती है।